तो भाई लोग आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स और प्राइम दोनों ही सबसे बड़े ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। एक तरह से ये दोनों प्लेटफॉर्म पूरी मार्केट पे राज करते हैं। तो आज हम देखेंगे इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म की सबसे बेस्ट वो चलून वेब सीरीज। और अगर आपको वेब सीरीज देखना कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है तो मैंने टॉप 5 मूवीज के भी बारे में आपको बताया हुआ है, उसके 3 पार्ट है, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हो। तो 5वें नंबर पे हमारी सीरीज है यू मी एंड हर। सीरीज देखने के लिए मिलेगी आपको नेटफ्लिक्स से और अब तक इसके 5 सीजन आ चुके हैं। किसी भी रिलेशन के अंदर अगर तीसरा बंदा आ जाए तो वो रिलेशन पूरा का पूरा खराब हो जाता है, लेकिन इस सीरीज के अंदर उल्टा है। इस सीरीज के अंदर तीसरा बंदा आता है और जो कपल की स्टोरी सीरीज के अंदर दिखाई गई है उनके रिलेशन को काफी ज्यादा बेटर कर देता है। डायरेक्टली बोलूं तो सीरीज के अंदर थ्रीसम काफी ज्यादा दिखाया गया है और वो भी पॉजिटिव वे में, जिसको देख के मजा आ जाता है। मतलब सीरीज को देखते हुए आपको एक सुख की अनुभूति 100% होने वाली है। इस सीरीज की स्टोरी काफी स्लो होने के बाद भी काफी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने की वजह से ही इसके अब तक 5 सीजन आ चुके हैं। 4th नंबर पे हमारी सीरीज आती है स्काई रोजो, 2 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। इस सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई है 3 प्रोस्टिट्यूट की, जो कि अपने ही बॉस को कत्ल करके वहां से भाग जाती है, लेकिन ये सब कुछ इतना ईजी नहीं चल रहा होता। जो उन्होंने मर्डर किया है उसकी वैल्यू भी उनको चुकानी पड़ती है। और सीरीज के अंदर भर भर के न्यूडिटी और फिजिकल इंटीमेट वाले सीन हैं और कुछ सीन तो इतने ब्रूटल हैं कि आपको उन्हें खुद देखते हुए शर्म आ सकती है। अब इन तीनों प्रोस्टिट्यूट की जो स्टोरी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और पूरे तरीके से न्यूडिटी वाले सीन भी सीरीज के अंदर है, तो उनको देखने के लिए इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना। 3rd नंबर पर हमारी सीरीज आती है द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस, 1 ही सीजन और अवेलेबल है प्राइम पे। ये सीरीज इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि फीमेल्स ने IMDB पे जाकर इस सीरीज की रेटिंग गिराई थी। ये सीरीज देखते हुए आपको ये टैबू भी फील हो सकती है। इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि एक लेडी पैसों के लिए अमीर लोगों के साथ सोती है और उनसे अपना मतलब पूरा करती है। अब इस चीज को देख के कुछ वुमन ऑफेंड होगी और IMDB पे जाके इसकी रेटिंग एकदम लो कर दी। खैर हमें उनसे क्या लेना देना, जो हमें चाहिए था वो सीरीज के अंदर हमें भर भर के मिलता है, तो इस सीरीज को भी जरूर चेकआउट करना। 2nd नंबर पे हमारी सीरीज आती है इजी, 3 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। मैरिड कपल, गे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लेस्बियन, जितने भी टाइप के ये कपल होते हैं, हर एक के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को इस सीरीज के अंदर काफी अच्छे से दिखाया गया है। सेक्स कितनी सिंपल चीज है और ह्यूमन ने इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, ये चीज इस सीरीज के अंदर काफी अच्छे तरीके से दिखाई गई है। सीरीज को देखने के बाद आपका सेक्स एजुकेशन को लेकर एक लेवल ऊपर बढ़ने वाला है डेफिनेटली। और इन्हीं सभी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए हमें बहुत सारा माल देखने के लिए मिल जाता है। और 1st नंबर पे जो सीरीज है, मेरे हिसाब से मेरे को उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में आप हो सकता है पहले से खुद जानते हो। सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं, लेकिन दूसरा सीजन कुछ ज्यादा ही बेटर है, जिसको देख के आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्स लाइफ सीजन 2 की। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।